हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 o'clock हो चुके हैं और मैं और ईशु हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी। और आज है ईशु का एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम है आज ईशु का। अभी मेरे 10 dates हैं और ईशु के अभी हैं, क्योंकि उसके GK वगैरह के होने हैं। और देखो इधर मम्मा बना रही है हमारा ब्रेकफास्ट, मेरा और ईशु का, और पापा कर रहे हैं हेल्प। हेलो मम्मा। हेलो। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे अपने स्टॉप पे, बस आती है हमारी 7:20 पे। और फिर उधर से पीहू और को भी लेने जाना है आज, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा चाचू गांव में चले गए हैं। तो अभी पापा उनको भी छोड़ के आएंगे और हमें भी। नीरज जा रहा गांव है और मैं बच्चे भी पहले महीने छोड़ दूंगा, फिर साथ साथ ही रोहित पीहू और को उनके स्कूल में छोड़ दूंगा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आज दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बच्चे हो गए हैं तैयार और बस ये जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ईशु अच्छा अच्छा करना पेपर, ध्यान से और चेक करना एक बार करने के बाद, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा। आराम से जाइए और कभी सोचो कि देर हो। बाय। हेलो, पेपर है आज तुम्हारा? नहीं। ये क्या है? एजुकेशन। बाय। तो जी भैया चले गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, और बस अब मैं अपना घर का थोड़ा सा काम संभाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करना अभी मुझे, और तो मैं बाद में करूँगी। और फिर पहले करूँगी मैं योगा, योगा करके फिर नहा धो के पूजा पाठ करके फिर अपना और काम में लगूँगी। तो लग जाती हूँ फटाफट से, जब तक वे भी आ जाएंगे छोड़ के। हाथ प्रजो दजा प्रजे काने मुंजने उसाजे संकर सुमन के श्री नंदन दे पुता महाजग बंदन विधा मानुनी तिचा तो राम काज करवे को आतु प्रभु चरि सुन में को रसिया राम लखन सीता मन विषय सुख सब रूप दर्शी है दिखाओ विकट रूप धर लंक चरावा भेम रूप धर यसु सारे राम जन के काज सवारे लाए सजीवन लखन जाए सेरम वीर रसुलाए। यहाँ पूजा कर रहे हैं ये, और बस मैं नहा धो के आ गई हूँ। ये मेरे से पहले ही नहा लेते हैं और फिर पूजा कर लेते हैं, जो भी हमारे में से पहले नहाता है वही दिया बत्ती कर लेता है। तो बस मैं आके कंघी कर रही हूँ, और आज मैंने साड़ी पहनी है, और ये वाली साड़ी आपको बता दूँ कई साल बाद पहनी, लगभग 5-6 साल बाद पहनी होगी, और ये इनकी फेवरेट साड़ी है, और बहुत हल्की फुल्की सी है, और मतलब बिल्कुल पता नहीं चलता इसको पहन के, इतनी अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट, और इसकी जो मतलब लुक है ना वो बहुत अच्छा आता है पहन के, एकदम से पहननी जाती है, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने आज ये काफ़ी दिन बाद पहनी है, और बस फिर मैंने कंघी वगैरह कर ली और अपना वही मेकअप थोड़ा सा जो एलोवेरा जेल है वो लगा लिया, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक और सिंदूर, बस इतना ही मेकअप होता है मेरा। और फिर मैंने पहन लिया है चूड़ी, और साड़ी के ऊपर चूड़ी थोड़ी अच्छी लगती है इसलिए पहन लेती हूँ, अगर कड़ा पहनते हैं ना तो हाथ खाली खाली से लगते हैं इस वजह से। तो यहाँ बस मैं हो जाती हूँ तैयार। तैयार होने के बाद बस फिर मैंने भी पूजा कर ली थी, इन्होंने तो कर ली थी मेरे से पहले ही, तो फिर मैंने भी कर ली है पूजा। और अब बस मैं बना के ले आई हूँ नाश्ता। नाश्ता हम दोनों ये बच्चे तो चले गए हैं लेके स्कूल में, और बस नाश्ते में आज मैंने सुबह शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाई थी, तो वे ही खा रहे हैं दोनों। इन्होंने ये तो चाय नहीं पीते, तो इनको दही और सब्जी और रोटी दे दी, और फिर मैंने साथ साथ अपनी भी 2 रोटी बना ली, फिर दोनों ने बैठ के कर लिया है नाश्ता। और बस नाश्ता वगैरह हो गया और ये अपने काम पे लग गए, और मैं लग गई हूँ अपने काम पर, और सबसे पहले वही काम है हमारा किचन की क्लीनिंग। नाश्ता करने के बाद सबसे बड़ा काम किचन का ही होता है, और जब तक किचन का नहीं निमटता जब तक कोई और काम
होता भी नहीं, क्योंकि किचन की क्लीनिंग नहीं होगी तो और सारा यूं लगेगा कि फैला पड़ा। तो मैं पहले यही करती हूँ, सबसे पहले तो जो बर्तन वगैरह वो खाली कर लूँगी, उसके बाद जो साफ़ सफाई है गैस की, टैल की और स्लेब की, सारी साबुन से रगड़ के जूने से साफ करके, उसके बाद जो साफ कपड़ा है गीला करके वो मार लूँगी। और किचन की सफाई में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सुबह के टाइम, दिन में तो थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हैं जैसे सुबह दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, लेकिन सुबह थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करते हैं जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। और इसी तरीके से करके बस कर दूँगी पूरी किचन को क्लीन। तो किचन हो गई है मेरी, अब बस है अंदर कमरों की बारी। तो यहाँ भी जो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी वो चेंज कर दूँगी, और जो मुझे वो ही डालनी मतलब झाड़ के बिछा दूँगी, तो एक कमरे की कर दूँगी। और यहाँ जब भी मैं कमरे में आती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे मम्मी का एकदम लगता है कि मम्मी बैठी, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसी कमरे में रहती थी, और जब से मैं गाँव गई हूँ तो खाली खाली सा लग रहा कमरा बिल्कुल, जैसा ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है। और इतने हम इस कमरे में आते भी नहीं, आप बोलते हो कि यहाँ भगवान जी हैं, मंदिर है तो लेटते हैं, तो हम इस कमरे में मतलब अगर लेटते भी तो बच्चे ही लेटते हैं, वैसे तो हम इस कमरे में कम ही आते हैं। और यहाँ बस एक कमरे की मेरी क्लीनिंग हो गई है पूरी, अब मैं दूसरे कमरे में आ गई, तो यहाँ भी बस बेडशीट वगैरह उतार के झाड़ के बिछा दूंगी। तो दूसरे कमरे की भी हो गई है पूरी क्लीनिंग, अब आ गई हूँ बाहर। और बाहर का एरिया तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ होता है हमारा, क्योंकि हम पूरा दिन बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं और यहीं पे बैठना खाना रहना होता है ज़्यादातर, तो सुबह ही सुबह तो ऐसा हो जाता है जैसा कहीं से उठ आए हो, पूरा फैला रहता है। और सुबह जैसा कई बार आप बोलते हो कि सुबह क्यों नहीं नहाने से पहले क्यों नहीं सफाई करते, तो मैं इसलिए ही नहीं करती। देखो नहाने से पहले क्योंकि मुझे मतलब नाश्ता जल्दी बनाना होता है, फिर अगर सफाई में लग जाऊंगी तो नाश्ते में लेट हो जाते हैं, और अगर झाड़ू पोछा करना हो तो फिर भी चलो नहाने से पहले कर लो, लेकिन अब तो झाड़ू पोछा तो आंटी कर देती है, मैं तो सुबह एक बार ही करती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ सुबह उठ के, उठने के बाद एक बार झाड़ू लगा निकाल देती हूँ पूरे घर में, बाकी झाड़ू पोछा आंटी कर लेती है। और जिस दिन मैं नहीं आती उस दिन मैं सुबह ही कर लेती हूँ नहाने से पहले। तो जो डस्टिंग वगैरह है, साफ़ सफाई, बेडशीट वगैरह, तो झाड़नी पूछनी, ये सब मैं बाद में ही करती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि फिर आराम से करो, ये जब तक नाश्ता नहीं बनेगा तो ये भी परेशान रहते हैं, अपना काम नहीं कर सकते, और अगर मैं नाश्ता टाइम से बना दूंगी तो ये भी अपने काम पे लग जाएंगे और मेरा भी काम इजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए बस बाहर का जो एरिया है उसको भी बिल्कुल अच्छे से कर दूंगी क्लीन। अब सारा काम हो गया मेरा घर का, और अब मैं जाती हूँ इंदु के पास, क्योंकि वो वहाँ के लिए थोड़ी देर उसके पास भी जाऊँगी, और वहीं पे एक घर है मेरी फ्रेंड का, उनका बेटा बीमार है तो उसको भी देखने जाना, उसको डेंगू हो गया था, मैं गई नहीं अभी तक, और बस अभी जा रही हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, इंदु के पास भी जाऊँगी और उधर भी जाऊँगी, तो आके बस फिर खाना वाना बनाऊँगी। और मैं जा रही हूँ बस, गुड्डू के पापा भी फोन पर लगे हुए किसी के साथ, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ वरना फिर मुझे लेट हो जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ इंदु के पास, और इंदु यहाँ अकेली है आज, बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल। फिर मैं आपको बोल रही थी कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ भी जाना, फिर वहाँ भी हम दोनों ही गए थे, मैं और इंदु थोड़ी देर वहाँ रुके पहले, फिर वापिस आके फिर यहाँ बैठी मैं थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो नहीं रुकी क्योंकि मुझे फिर वापिस आके खाना भी बनाना था, और घर ही मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़ी देर हम उनके यहाँ गए, जो दीदी है उनका बेटा भी बीमार हो रहा और उनको उसको डेंगू हो रहा, और यहाँ पे पिंजौर में ना डेंगू इतना ज़्यादा फैला हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब हर तीसरे घर में से एक एक पेशेंट जरूर है डेंगू का, ऐसा हो रहा बहुत ज़्यादा, और स्प्रे वगैरह के भी रोज़ तीसरे दिन स्प्रे हो रही। और बस इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा चल रही है हमारी भी कि भाई अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का। वैसे तो मैं ज़्यादातर बच्चों को फुल स्लीव की मतलब पजामी या टी शर्ट पहनाती हूँ, इसी वजह से मतलब मच्छर से जितना हो सके हम अपने आप को
मतलब सुरक्षित रख सके अपने आप से, कोशिश करें कि बचने की। और बस यहाँ फिर आ गए थे हम उधर से, फिर हमने बैठ के थोड़ी देर बातें बुतें की, और फिर तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और बस आ गए वे थोड़ी देर, फिर मैं बच्चों के पास बैठी, फिर आ गई थी वापस घर। और अब मैं बनाऊंगी खाना, लेट सी होगी 2 बज के। और खाने में जो सुबह सब्जी बनाई थी मैंने, आलू और शिमला मिर्च की बनाई थी, वो रखी है थोड़ी सी। और थोड़ा सा बनाऊंगी मैं लौकी का रायता, यदि लौकी लौकी छील कर कद्दूकस कर लूंगी और फिर उसको बॉईल कर लूंगी, और रायता बन जाएगा और सब्जी है, और रोटी बना दूंगी। बस फटाफट से बना देती हूँ, इनको भूख लग रही, कह रही कि जल्दी बना ले, भूख लगती। और यहाँ देखिए मैंने बनाया है लौकी का रायता। लौकी मैंने उबाल के रख दी थी, कद्दूकस करके उबाल के रख दी थी, ठंडी हो गई है। और जब तक ये ठंडी हुई मैंने रोटी वगैरह भी बना दी। अब बस बना लेती हूँ रायता। रायते में दही फेंट ली, इसमें नमक मिर्च और मसाला डाल लिया, जीरा धनिया पीस रखा ना मैंने, जो वो ही रखा हुआ है डब्बी में, उसमें से डाल लिया। और फिर डाल दी है लौकी जो बॉईल की करके रखी है, और इनको कर लेंगे मिक्स। अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा आप पानी भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी हम ऐसे ही इसको खा सकते हैं। और लौकी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ती क्योंकि दही गाढ़ी है इस वजह से। तो रायता हमारा देखिए बन के हो गया है तैयार, और बहुत टेस्टी लगता है लौकी का रायता। तो ये थाली हम दोनों की तैयार है, आ जाइए जी आप भी खाना खा लीजिए आके। अब हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ देखिए मैंने दूध गर्म कर लिया, चाय तो बनाई नहीं इन्होंने, ना कर दी थी तो मैंने दूध ही कर लिया। और ये लड्डू रखे हैं जो चुलाई के बनाए हुए, तो ये दूध और लड्डू खाएंगे मैं, ईशु और ईशु के पापा। और इधर देखिए इनके लिए गिलोय का पानी पका रही, पक गया ये बस। और ये कल भी नहीं मेरे याद रहा था, और कल से इन्होंने कई बार कह लिया कि ये पानी नहीं पकाया, तो मैंने पका दिया, साथ साथ मतलब पक जाएगा, बस ये ठंडा हो जाएगा बाद में पी लेंगे। और इधर लड्डू ले लिए, बस इनमें डाल दूंगी दूध। यहाँ बस लड्डू में दूध डाल दूंगी और थोड़ी देर रख दूंगी क्योंकि गरम गरम दूध है, और गरम गरम मैं इसलिए डालती हूँ जिससे कि अच्छे से घुल जाए, और थोड़ी देर रख के फिर हम इनको खा लेंगे। तो जी बस अब अपना और काम करते हैं, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।